Assalamu alaikum everyone, my name is Momin Ali Munshi. Aap dekh rahe hain Galaxy Lollywood and this is the Munshi Show. पहले तो बहुत 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 शुक्रिया आपके प्यार आपके अप्रिसिएशन का जो आपने हमारे मुंशी शो की पहली दो एपिसोड को दिया, हमारे सच सच रिव्यूज को दिया और जनरली हमारे चैनल को दिया, बिकॉज आवर चैनल इज गोइंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स. तो बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. इसके अलावा आपको इस शो में क्या बात पसंद आ रही है, आप आगे शो में किसको देखना चाहते हैं, क्या बात हम इंप्रूव कर सकते हैं, और हाँ, इस एपिसोड को हम लोग एक गो में रिलीज किया करें या हम इसको पार्ट्स में क्लिप्स में रिलीज किया करें, ये बात हमें प्लीज बताना मत भूलिएगा इन द कॉमेंट सेक्शन. अच्छा, आज की एपिसोड तो टेक्निकली तौर पे हमारी तीसरी एपिसोड है, बट असल मानों में ये हमारी पहली एपिसोड है, क्योंकि जब मैंने मुंशी शो को स्टार्ट करने का सोचा था तो दिस एपिसोड दिस गेस्ट वाज द फर्स्ट वन ऑन माय माइंड, क्योंकि मैं चाहता था मेरी पहली एपिसोड बोल्ड बिंदास धमाकेदार बागी किस्म की हो एंड दिस गेस्ट इज एग्जैक्टली दैट. शरियार माया अली हरीम के साथ बहुत मजे के एपिसोड शूट किए, लेकिन वो थोड़े प्रमोशनल इंटरव्यूज थे जो फिल्मों को लेकर थे, बट दिस इज आर फर्स्ट मुंशी शो एपिसोड. आज जो गेस्ट है इनको वैसे सही मायनों में किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. कहाँ शुरुआत करूँ, कहाँ खत्म करूँ, आई टू नॉट नो माई सेल्फ. पाइडो परफॉर्मेंस, तमगा इम्तियाज, लक स्टाइल अवार्ड, हम अवार्ड, पीटी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड की नॉमिनेशन, कोई ऐसा अवार्ड नहीं जो इन्होंने नहीं जीता हुआ. शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ अ जनरेशन. शी इज अ सुपर स्टार, शी इज सुपर हॉट. जो दिल में है, जो दिमाग में, बोल देती हैं. और इनका नाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में मशहूर है जहां एक्टिंग की बात करते हैं. तो प्लीज वेलकम वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, द ब्यूटिफुल, द सुप्रीमली टैलेंटेड सबा कमर जमान. So finally we are shooting. Yes, finally. अच्छा, अभी मैं लोगों को बता रहा था कि हम ये शो कब से प्लान कर रहे हैं, कितना कुछ बदल गया. और आपको पता है ना, मैं तो फैन हूँ आपकी. और मैं आपका फैन हूँ. ऐसे ही काम चल रहा है. अच्छा, मैं लोगों को बता रहा था कि हम शो कब से प्लान कर रहे थे, इतना कुछ बदल गया, ची खत्म हो गया, आप लक्स गर्ल बन गई, हम बड़े हो गए, लक्स परफॉर्मेंस दे दी, यासिन ने कहा प्रपोज कर दिया, हमजा ने शादी कर ली परसों, कितना कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया. अच्छा है, ऐसे ही हम लाइफ में सीखते हैं. ये क्या है, ये कुछ सवाल है आपके लिए. ऑलराइट, ओके. अच्छा, तो हमजा एंड यू वर रियली गुड फ्रेंड्स, शादी भी नहीं गई. अरे इतना डायरेक्ट क्वेश्चन, अभी तो आए थे चाय पूछते, कॉफी पूछते, कुछ और पूछते. हम सीधा ही घुस गए शो के मूड में. शादी के लिए मैं खुश हूँ उनकी, मेरी बात हुई थी उनसे शादी से पहले. अच्छा? हफ्ता दो हफ्ता पहले उन्होंने बताया मेरी शादी हो रही है, मैं कहा चलो मुबारक हो, बिजी थी नहीं जा पाई, मैंने जरूर जाती, शूट करी थी उस दिन. अच्छा सबा, मैं अभी सबको बता रहा था कि सबा इंटरव्यूज बहुत कम देती है एंड हम लोग बहुत खुश हैं, खुश नसीब हैं कि आपने हमें आज यू नो आप इंटरव्यू से कम क्यों देती हैं. वैसे क्यों देती हूँ, क्योंकि मिसकंस्ट्रू पार्ट करते हैं लोग आपकी बातों को. ठीक है, तो उससे बेहतर होता है कि आप बात ही ना करो, बात को समझने वाले लोग होने चाहिए, सवाल करने वाले होने चाहिए जिनके अच्छे सवालों को जाने का. सर बहुत शुक्रिया आपका. तो यस, सबसे पहले मुझे बात करनी है उस शूट की जो आपने रिसेंटली किया, जिसने हर जगह, बताइए कैसा लगा. बहुत हॉट, सुपर हॉट एज ऑलवेज, हर जगह वही ट्रेंडिंग हो रही है उस शूट के बारे में. मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई देखकर कि लोग फॉर अ चेंज डिफेंड करें, बुराई नहीं करें, वरना हमारी कॉम को एक बहुत बुरी आदत है हर चीज के क्रिटिसाइज करने की. लोग डिफेंड करें, लोग पीपल टेकिंग स्टैंड, हाउ डज दैट फील, इतना प्यार. मुंशी, आई फील आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली थैंकफुल टू माय फैंस फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन दे हैव गिवन मी. मैं जितना शुक्रगुजार हूँ कम हो, कि सबसे बहुत प्यार मिलता है. मैं जहाँ भी जाती हूँ, वही ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी. अच्छा, मुझे इस शूट के बाद ऐसा लग रहा है कुछ शूट से कि सबा कमर का रीबर्थ हुआ है, सबा कमर 2.0, जिसको कोई परवाह नहीं, जो करना मैं करूंगी, डंगे की चोट पे करूंगी. इज दैट सो? चेंज चाहिए लाइफ में, बोर हो जाता है ना इंसान. आई मीन एरीज, आई गेट बोर्ड इजीली, एक जैसा एक जैसा एक जैसा, तो मैंने कहा कुछ अलग किया. अच्छा, और एक बड़ी मजे की बात है, आई वांट टू एक्सप्लोर मायसेल्फ एंड यू मस्ट, यू शुड एंड यू आर, सबको करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है कि ट्विटर पे ट्रेंडिंग किसी और की हो रही होती है और बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना सभा में स्टार्टिंग कर देती है हर जगह, ये कैसे क्या हो रहा है. और आपको पता, मैं इतनी एक्टिव भी नहीं थी, अभी हफ्ता दो हफ्ता पहले आप आए हो, अब आके हुई हूं, वो भी जब मैंने लोगों का प्यार देखा इतना है, मैंने कहा हर दूसरे दिन बात तो मैं ट्विटर पे नंबर 1 पे होती हूं. फिर जब माल माहिरा खान कंट्रोवर्सी ये लेदर चल रही है, इधर सभा कमर ट्रेंड कर रही है. जी, वेयर इज माय हुडी, वेयर इज माय हुडी.
अच्छा तो आप फॉलो करती हैं ट्रेंड्स वगैरह को, देख रही हो क्या लोग ट्वीट कर रहे हैं क्या? मेरी जिंदगी में एक बड़ा प्यारा कैरेक्टर है जिसका नाम विशी चीमा है, उनका बहुत कभी बात अभी आगे आनी थी, ठीक है। तो हर खबर पे नजर, हर खबर पे नजर। अच्छा एक बड़े मजे का ट्वीट है, आई मस्ट शो यू, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। रियली? अब बहुत हटके रैंडम सा थोड़ा, आई थिंक आई नीड टू यू नो, ऐसा तो नहीं कि जो सब जानते हैं, अब सब फैल चुका है हर जगह। ना ना ना, कोई डिस्कसिंग इज द सेम गाइस जिसके लोगों ने बहुत, नो 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 नो, ये बिल्कुल वो तो डिस्कस बहुत हो गया, इसको डिस्कस नहीं किया किसी ने, इस पे अच्छे खासे रीट्वीट्स आए हैं और लाइक किए लोगों ने। अकॉर्डिंग टू क्लोज सोर्सेज द प्रेजेंट फीमेल सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान सबा कमर हैज हायर्ड 3 प्राइवेट प्लेन्स विद 100,000 लीटर ऑफ वाटर ईच टू हेल्प द अमेज़न रेन फॉरेस्ट फायर्स। मैंने कहा भाई व्हाई आई एम हियर, व्हाई आई एम हियर, समबडी प्लीज। 3 प्राइवेट प्लेन है लड़की के पास, क्या सीन है भाई? वाओ सीरियसली? हां ये देखें, कितने बजे का वाकया है ये, कब का वाकया है? अरे भाई इब्राहिम कौन है तुम? आओ बात करो, बताओ यार, मैं भी कुछ को बीच आधा आधा कर लेते, कुछ 50-50 कर लेते हैं यार। अच्छा बट यार एक और बड़ी मजे की बकवास, आई विश ऐसा होता है यार। अच्छा बट यार इवन द एलएसए परफॉर्मेंस जो हुई लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे, loved it, absolutely loved it, and again I just feel कि बहुत आपने ना confidently नाची उसमें। मुझे लगता है कि जो हमारी आजकल की लॉट है ना वो खुल के नाचते नहीं है, जो हमारी पुरानी अदाकाराएं थी उनमें एक एक यू नो झिझक है, झिझक नहीं थी पहले वालों में, अब में है, और आपने झिझक नहीं दिखाई, तो इज देयर अ कॉन्शियस डिसीजन ऑन योर पार्ट कि मैं खुल के नाचूंगी के नहीं? एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज़ होती ना मुंशी, मैंने लाइफ में जितना सीखा है उसने मेरे अंदर से एक चीज़ खत्म कर दी है। हमें डर किस बात का है, किसका है? हम एक दूसरे से क्यों डर रहे हैं? सब आपस में डर रहे हैं। True. कुछ भी करने से पहले हम इतना सोचते हैं कि ये करें कि ना करें। हाँ, अरे इतनी छोटी सी जिंदगी में इतना सोचेंगे तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बात सही है। सो मैंने अब परवाह करने छोड़ दी, मुझे डर नहीं लगता। I'm not scared. वो नजर आता है anything, yeah. अच्छा अभी आपके मैं यू नो बात कर रहा था खुल के नाचने की और बहुत ही अनअपोलोजेटिक होने की, तो एक और अदाकारा है जो आई फील काफी इस साल काफी वो भी काफी बोल्ड काफी फेयरलेस हो रही है, व्हिच इज माहिरा खान। या विद हर डांस आई लाइक इट। या एंड मुझे पूछना है फ्रैंकली डंके की चोट पे, आप लोग दोस्त हो, आप लोग फ्रेंडमीज हो, आप लोग एनिमीज हो, क्या सीन है? लाइक पीपल वांट टू नो, वी आर नॉट फ्रेंड्स बट कोई ऐसा मसला भी नहीं है हमारे बीच में, क्योंकि मेरी और माहिरा का ऐसा इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं है, हमने इकट्ठे काम नहीं किया। लोगों ने ऐसा कुछ नहीं, मायरा की अपनी जगह है, मेरी अपनी जगह, और कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। पहली बात तो ये है, वो अपनी जगह बहुत अच्छा काम करी, मुझे लगता है कि मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का। तो याद है माहिरा ने वो लक्स की परफॉर्मेंस हुई थी 1-2 साल पहले, जब उन्होंने कहा था कि कुछ एक्ट्रेस ने कहा मुझे एक्टिंग नहीं आती, कि आपकी फिल्म 100 करोड़ कमाती, तो आपने फिर उसको अगले साल पोस्ट किया था। और किस बात पे पोस्ट किया था? पोस्ट किसकी थी? आप किसी न्यूज की थी ना? हाँ, मैंने नहीं बनाई थी ना। आपने कहा था, आई विल कोट, के क्वेश्चन, क्या आपकी फिल्म स्टिल देयर बाय द वे, दैट पोस्ट इज स्टिल देयर, क्या आपकी फिल्म 100 करोड़ कमाती? यस, I don't like insulting jokes. Hashtag respect another. Hashtag no comparison. नहीं फिर जाके देखिए कुछ ऐड किया है। अच्छा ऐड कर दिया? नहीं कुछ ऐड नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है। तो हमने कुछ ऐड किया आपने? एक उन्होंने जोक किया, उस जोक का हमने जवाब दे दिया। जोक अगर करते हो तो फिर सहने का वो भी होना चाहिए। तो एक जोक उनका था, एक जोक हमारा था, बात खत्म हो गई। हिंदी मीडियम डिड रियली वेल इन चाइना। बहन भाइयों में भी तो बातें होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे फ्रेटर्निटी में भी होती रहती है। बिल्कुल फेयर इनफ, तो एंजॉय करना चाहिए। तो लव दिस रिस्पांस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम करो तो मजाक, हम करें तो इनसिक्योरिटी। नो, वी आर नॉट इनसिक्योर। टू टू इंपॉर्टेंट। अच्छा सो यू आर फाइनली अ लक्स गर्ल। थैंक यू। देयर आई दुरुस्त आई लक्स को, और so mean. I didn't say this. Saba Qamar is a star, yaar. Itni der se we felt, you know, you should be the last girl. So when they finally approached you, jo call aayi, to kya reaction tha, kya feelings thi? Acha laga, lekin aisa nahi tha ki main oh my god. Nahi. Oh my god, ab mujhe hota bhi nahi hai. Main enjoy karti hu, main apne kaam ko aise samajhti hu ki ye sab kuch hai. अच्छा जब सुबह उठ के मैं चाहे एक छोटे से काम के लिए भी चाहूँ, जैसे मैं मुंशी के शो के लिए आई हूँ, लेकिन मुंशी का शो लोगों के लिए शायद छोटा हो, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आई वॉज ऑन टाइम, मेरे लिए था कि आज का दिन सिर्फ मुंशी का दिन है। तो ऐसे ही मेरा जो जो दिन जिस काम के लिए होता है वो 100% होता है। ठीक हो गया। अच्छा परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, तो एक आपकी हाउस, बट आई एम हैप्पी बीइंग लक्स गर्ल। अच्छा हम स्टाइल अवार्ड्स पे एक और परफॉर्मेंस आपकी बड़ी मजे की हुई थी, वो कौन सी थी? विद जाहिद अहमद, जिसमें गागरा गिर गया था। But I liked how you were like, you know, गागरा गिरा है, मैं तो मुझे नहीं शर्माती, मुझे था कि यार हो गया तो हो गया। उसका दिमाग में क्या चल रहा था उस at that moment, जब एकदम से हुआ, जब गिरा, एक तो लोगों ने बड़ी stupid बात की, publicity stunt, शायद इसको, यार कौन stupid ऐसी हरकतें करता है, किसी को शौक नहीं होता, मुझे क्या जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना काम कर रही हूँ, मैंने ये करके करना था,
स्टुपिड दिमाग में चल रहा उस वक्त कुछ भी नहीं उसी लम्हे वो मुझे हुआ कि अच्छा रीटेक करेंगे दोबारा से गाना होगा और मैंने खड़े होकर यूं किया भी Nobody was listening, गाना चल रहा है मैंने कहा ओके आपका ना बड़ा ही बैड सीन रहा मैलफंक्शंस के हवाले से एक आप फैशन वीक में जा रही थी जहाँ रैंप पे थोड़ा सा हो गया नजरें लग जाती क्या करो और फिर एक फैशन शो की तस्वीर जब भी अम्मी सदका नहीं देती मेरे साथ होता है अब अम्मी को कहती मैं आज सदका दे हाँ सदका दे आज नहीं दिया अच्छा यार फैशन वीक पे तो हुई एक दफा एक शूट हुआ था जिसकी पिक्चर्स कुछ लीक हो गई थी और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी बनी थी उस तरह के मोमेंट्स में कभी आपको कभी कभी डाउट किया कि मैं किस इंडस्ट्री में हूँ यहाँ के रूल्स यहाँ पे क्या हो रही है बिकॉज आप यू डोंट स्मोक राइट और फोटो इतना इशू बन गया अगर मैं पीती भी ना तो मुझे किसी के बाप का डर भी नहीं अच्छा बोल देती मैंने पी है हाँ मैं बोल देती कि हाँ मेरी सिगरेट है वो प्रॉप्स था BTS लेने वाला एक इंसान था उन्होंने तो बहुत छोटी हरकत की लेकिन मैं उनका नाम लेके उनका नाम बढ़ाना नहीं चाहती हूँ ना ही वो छोटी हरकत उनकी बड़ी करना चाहती हूँ मैंने उनसे जब उन्होंने शेयर किया ग्रुप में तो मैंने उनका ये डिलीट कर दीजिए इसमें नज़र आ रहा है नहीं नहीं डोंट वरी आप मेरी बहनों की तरह है कभी भी बाहर नहीं निकलेगा वेरी नेक्स्ट डे एवरीवेयर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यू नो आई फील के एक्टर्स को ना इंडस्ट्री में रह रहे कि आप यू नो यू हैव अ थिक स्किन ना आपको इतना फर्क नहीं पड़ता बुरा लगता है लेकिन पता है इस तरह की बिहेवियर अगेन वही बात है कि जाहिल बंदे के साथ क्या करोगे आप बहस करोगे आप नहीं सिखा सकते यू कांट चेंज द वर्ल्ड यू कैन चेंज योरसेल्फ आई चेंज मायसेल्फ भाड़ में जाओ ऐसे कहना अगर लाइटर मूड द शो आपको नाचना बहुत पसंद है मुझे पता आपने बहुत इंटरव्यू में बोला है लव डांसिंग आई लव डांसिंग और आगे परफॉर्मेंस देखें मैं तो खबरों पे भी डांस करता हूं दिन चढ़ता है तो मेरे अंदर से एक निकल आता है रानी अच्छा पाकिस्तान रानी यस रानी नूरजहां बिल्कुल 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 पाकिस्तान So basically, we have this little segment planned specially for you. इसमें कुछ ये सीन है कि अब कुछ फिल्मों के नाम पड़े हमारे पास बोल में यहाँ पे कुछ सीन है कि कुछ राधा नाचेगी राधा नाचेगी तो यहाँ पे कुछ फिल्म गानों के नाम है कुछ फेमस फिल्म्स के कुछ पाकिस्तानी कुछ इंडियन मुझे भी नहीं पता कौन से टीम ने बनाया है तो आप थोड़ा सा असल में नहीं पता मुझे तो आप थोड़ा सा नाचेंगी और मैं गेस करूंगा कि आप कौन सा गाना है मिलके नाचेंगे जब पता चल गया तो मिलके नाचेंगे चलो डन डन चलो बेस्ट है तो लेट्स स्टार्ट मोटरसाइकिल साइकिल अच्छा आ जाते बैठे साइकिल पे ये कौन सा गाना है ये पाकिस्तानी के इंडियन इंडियन अच्छा इंडियन चले इट्स नॉट पाकिस्तानी पर टीचर जो लिखा हुआ था उसका ध्यान से नया वाला ये पुराना वाला वर्जन नहीं है नया वाला है तो उसमें कुछ ऐसे स्टेप है एक लड़की जिसने हवा में ताली मारी उसका नोरा उसका पिछला साकी साकी नहीं ओ दिलबर अच्छा ये तो बहुत आसान है पाकिस्तानी फिल्म आपका गाना है आपका गाना है फिर कलाम होंठ पड़ लिए मेरे फिर आपके ऊपर खैर है This is Kalaba. उसका step ये है. Yes, yes. Kalabaz dil hai, meri jaane kya kare. जितने भोंडे डांस मैंने कर दिए ना आज. ये तो वीडियो था पाकिस्तानी मुझे तो याद भी नहीं इसमें डांस भी था कि नहीं एक्शन के साथ था अच्छा Yes. नाम कैसे बताऊं मैं तिल ओ छन्नो की आंख में एक नशा है चार दिन उसके तिल का नशा है छन्नो की आंख में एक नशा है पाकिस्तानी इंडियन नेक्स्ट थैंक यू
ये नहीं आया तो नेक्स्ट कर दिया. शट अप, शट अप, यू कांट, यू कांट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस. नो, नहीं बताऊंगी. ओह माय गॉड, दिस सॉन्ग इज ओके. पाकिस्तानी, ठीक है, बारिश का गाना. पहन दिया बरसात में. मैं समझ गया आप करें. मैं समझ गया लेकिन आप करें. ओ शट अप, बोलो ना. मेरी आजाद बाबे. हिंदी पाकिस्तानी, ये वही है जिसके बारे में बताई थी अभी. बात की हमने इस बारे में. हाँ, सो इट्स लाइक साकी साकी. डॉक्टर ने मुझे सब चीजें करने से मना की. मुझे प्रॉब्लम है ना सभी करने. अच्छा, दिस वाज सुपर डुपर फन. बोलो सबसे अच्छी डांस करो. वाह 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 वाह, आपकी तो मैं पूजा करूँ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर. सबा, थैंक यू सो मच यार, बहुत मजा आ रहा शो पे, आई एम लविंग इट. आपका कमाल है, आपने नचा भी लिया. नचा भी लिया, लोग हैरान हो जाएंगे इस लड़के ने किया क्या. इंटरव्यू पे भी आ गए, नाच भी लिया, वो चल क्या रहा है. नहीं बस सबा, जेन्युइनली आई एम सुपर हैप्पी दैट यू आर हियर एंड इतना मजा आ रहा है. आई एम सो कंफर्टेबल यार, दिस इज लाइक टू फ्रेंड्स सिटिंग बातें कर रहे हैं. मजा आ रहा है, लाइक रियल पीपल. एक्चुअली आई एम रियल. हाई फाइव ऑन दैट. अच्छा यार, चीख ड्रामा जो है अभी रिसेंटली खत्म हुआ, ठीक है, यू वर फिनोमिनल एज ऑलवेज, थैंक यू. लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो इस सदी में खत्म होगा ड्रामा. आपको पता था कि वो किस सदी में खत्म होगा? पहले तारीफ की और फिर साथ ही ना. नहीं बस ऑनेस्टली बताएं, क्योंकि वो बहुत लंबा नहीं खिंच गया. मैं राइटर नहीं थी, मैं एक्टर थी, मैंने अपना काम बहुत अच्छा किया. ये सवाल आप राइटर से पूछिए कि वो लंबा हो गया या छोटा था. एक हमारा सेगमेंट होता है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट. देखा आपने वो? नहीं, ऑफ कोर्स मैंने पहला शो तो देखा है, लेकिन मैं भूल गई कि एग्जैक्टली उसमें क्या ब्लास्ट निकालते हैं पास्ट. माय गॉड, ये लड़का ना आज मुझे मरवाएगा. तो आपके तो ब्लास्ट दो मैंने ढूंढे हैं. एक तो बहुत क्यूट है, पहले वो दिखाऊंगा, व्हिच इज वेरी क्यूट, व्हिच इज दिस. ओएमजी. अच्छा ये बंद करें, इसकी कहानी मैं बताती हूँ. इसकी कहानी बताती हूँ, बताती हूँ कब बंद करें. कब की है बेला? ये मेरे बचपन की है, यकीन मानिए. मेरे ख्याल से 14-15 की वो जो एज होती है, और अम्मी ने कह के भेजा था, और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. नाचने का शौक तब से है. अम्मी ने कह के भेजा था कि बेटा डांस नहीं करना. अच्छा, मुझे क्यों की बस देर होती है कि सबा सबसे. कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि ये सामने आ जाएगी चीज, और आई भी तो कब आई. खैर कोई बात नहीं, खुल के नाचे, एंजॉय किया. हम सब की वीडियोस होती हैं इस तरह की, हमने हम सब सीखते हैं लाइफ में, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं कि ओहो मैंने तब क्या किया. कोई बात नहीं है, हम तब वैसे थे और अब ऐसे हैं. और अगर आपका कल आपके आज से बेहतर नहीं है, तो आपका आज आपके कल से बेहतर नहीं है, तो फिर फायदा क्या, फिर आपने क्या किया लाइफ में. तो यही तो ब्यूटी है कि कहाँ का इतना जर्नी है. वो तो क्यूट वीडियो थी, आई लव इट. I love everything. अच्छा, एक और ब्लास्ट है, वो दिखाऊं मैं? यार नहीं. यार नहीं करो, पहले बताओ कान में फिर दिखाओ. आपको मैं तो दिखा देता हूं, फिर अब इसके अलावा क्या ब्लास्ट हो सकता है? वो था रीसेंट ब्लास्ट है, वो है 6 साल टाइप पहले का. मैं बता देती हूं, दैट सॉन्ग. ये बहुत मारूंगी. अच्छा ये आई एंजॉय दैट सॉन्ग. इसके बारे में बताऊं आपको, जो इसकी गलत चीज थी, ये थी टेलीफिल्म. ठीक है, ठीक है. मुझे काफी पुरानी शूट हुई थी, काफी पुरानी, 2012-11-12 का टाइम था, आई थिंक उसी टाइम की है. 2012-13 की होगी मैक्सिमम, इससे बात की नहीं है, 13 से पहले की है. हाँ, काफी पहले की है. तो इन्होंने मुझे कहा टेलीफिल्म है, फिल्म की बात नहीं हुई थी. उसके बाद फिल्में आने लगी. अच्छा, वक्त बदल गया, मैं बदल गई, मोटापे से पतली. वो आप मैं मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं थी. हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती, लेकिन मैं हमेशा से बड़ी बिंदास रही हूँ कि आपने जो मेरे कैरेक्टर की डिमांड है मुझे करना है, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है. लेकिन आप मुझसे ये ना करो, झूठ ना बोले, झूठ ना बोलो. आप करना है, आप मुझे तरीके से बात करें, आप मेरी ब्लड लाइन पे भी चले गए. अच्छा, एक टेलीफिल्म के खाते. कहीं मैंने किसी शो में बैठ के सिर्फ ये बोल दिया था कि जैसे मुझसे इन्होंने कहा था, जो कि सच बात है, कि हम जिस लेवल पे इसको शूट करें उतना ग्रैंड शूट नहीं हुआ था.
जितनी मुझसे बात हुई थी और उसको इस तरह से हमारी फिल्में इस जमाने में इस तरह की बन रही थी, हमारे बजट जो थे बड़ी फिल्में भी हमारी फिल्में नहीं थी, टेलीफिल्म थे। आप टेलीफिल्म को फिल्म का नाम देके मेरा नाम कैश करा के उस टाइम पर जो अल्लाह ने इज्जत दी है और अच्छा काम आ रहा है, आगे के टाइम पे आई थी ना ये, तब ये हिंदी मीडियम लाहौर के ये बीच में चल रही थी, मैं कहा ये कहां से आ गई। और मैंने उनसे बात भी की कि आपका 5 लाख लगा है, मुझसे 10 ले ले, ये ना करे प्लीज ना, टाइम नहीं है। एक हमारे म्यूचुअल फ्रेंड जाके उन्होंने ये पैगाम उनको दिया, तो उन्होंने कहा अब तुम्हें जरूर दूंगा। फायदा क्या हुआ फिल्म? कोई बात नहीं, अल्लाह मियां ने जिसे इज्जत देनी होती है आज भी दी है, फिर नियतें अल्लाह देखता है। कोई बात नहीं, मैं आज भी किसी के बारे में बुरा नहीं कहती, ना बुरा कहना चाहती हूँ ना सोचती हूँ, बट दिलों के भेद मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ, दिलों के भेद अल्लाह जानता है। बट आई वांट इट, बिल्कुल हां, या पास से अब हम जाते हैं फ्यूचर की तरफ। ये सवाल मैं जनरली एंड पे पूछता होता हूँ, बट एवरीबडी वांट्स टू नो कि सबा कमर जी के बाद अब आगे क्या करने वाली है। एक वेब शो की बात सुनने में आ रही थी अभी रिसेंटली, कुछ न्यूज नहीं उसकी आई भी, कंफर्म क्या है तो हो रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है? ऑनेस्टली एक फिल्म है, किसकी है, कब है, एक फिल्म है। ओके, सबा कमर इज डूइंग अ फिल्म, वाओ, यस, अमेजिंग मूवी, फाइनली वी आर सीइंग अ पाकिस्तानी फिल्म यार। हां, बिकॉज़ मैंने मुझे बहुत अच्छा करना था। अच्छा, नहीं आप एक फिल्म, मुझे हिंदी मीडियम के बाद बहुत अच्छा करना था। अच्छा अच्छा, yes. तो एक फिल्म आ रही है, हाँ। कब कहाँ मैं नहीं पता अभी, ये अभी नहीं, मैं बताऊंगी अगले शो में आके इंशाल्लाह। और वेब शो भी तो आप कर रहे हो, वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, हाँ। तो एक वेब शो हो रहा है और एक जी फिल्म हो रही है, हाँ। और उसका टाइटल क्या है वो शायद चेंज हो जाए, बिकॉज अभी तो वो किसी और नाम से लोगों ने दो चार फेसबुक पे, नुमान इजाज है ना, नुमान इजाज है उसमें, ठीक ठीक ठीक। अगेन वो बहुत मजे का टॉपिक है, बहुत बोल्ड टॉपिक है जो मैंने सुना है, इट इज एग्जैक्टली दैट टॉपिक जो सुना था मैंने, यस। तो आप बोलते हैं पाकिस्तान उस टॉपिक को एक्सेप्ट कर सकेगा, करना चाहिए, अगर हम इन चीजों पर बात नहीं करेंगे तो अवेयरनेस कैसे आएगी। एंड नुमान जस्ट फॉर प्लेइंग दैट कैरेक्टर, आई मीन लाइक यू नो, चलिए लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द स्टोरी टू अनफोल्ड, जब अनफोल्ड होती है। अच्छा, हिंदी मीडियम 2 बन रही है जी करीना कपूर के साथ, अरे वाह, आई एम हैप्पी, एक बिटर स्वीट मोमेंट है, आई एम गोना वॉच इट, खुशी है कि मेरी फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि उसका 2 में इतनी बड़ी एक्ट्रेस आ रही है, बट कहीं ना कहीं कहीं हम इंडिया के बचपन में देखा करते थे करीना कपूर, जब कभी करीना कपूर आई थी तो सब करीना हो गई थी, जैसे शाहरुख आए थे सब शाहरुख हो गए थे। मेरा पॉइंट है कि सीक्वल में जब आपके बहुत बड़ा बॉलीवुड का सितारा आ रहा है तो अच्छा लगता है आपको, खुशी की बात है कि आपकी फिल्म को आगे लेके जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा गम भी होता है कि मैं नहीं इस फिल्म में, एक बिटर स्वीट मोमेंट है। ऑनेस्टली गम नहीं है, कि मेरी बेल्ट मेरा बच्चा था, मैं थी उसमें, पता उन सब चीज़ों से ज़्यादा ये कि ह्यूमैनिटी किधर है फिल्म में, सब साइड पे, ये तेरा मेरा क्या हो रहा है, ये गलत है, मुंशी खून यहाँ बहे खून वहाँ बहे, तकलीफ तो एक जितनी होती है ना, सो आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, सो I prefer peace over violence. But Hindi medium बहुत बड़ी हिट हुई थी, चाइना में बहुत ज़्यादा चली, 300 crore, exactly, हाँ, my god, मुझे तो नहीं मिला कोई करोड़, but हाँ, लोगों का प्यार मिला, film फिर award प्यार से बढ़ के गया, best actress में, which was something, सोचो मैं इतना off बंदा हूँ कि मैं सोई हुई, मुझे मावरा की call आई, I remember, and she was so excited, आप film फिर में, मैं कहे ये बड़ी बात होती है यार, अच्छा वाह, ये बहुत बड़ी बात होती है, वाह, वन बेस्ट डेब्यू एंड वी सेलिब्रेट दैट अवार्ड, दिस वाज बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस, करो मेरी पहली फिल्म, सीधा सीधा बेस्ट एक्ट्रेस, श्रीदेवी, आलिया भट्ट के साथ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, थैंक यू यार, थैंक यू। अच्छा अच्छा, उसके बाद यू नो फिल्म बस सच अ बिग हिट, हालात थोड़े खराब हो गए, आगे कोई प्लान्स थे, इंडिया में फिल्म्स आ रही थी, कुछ प्लान्स, कुछ प्रोजेक्ट्स थे, कि सबके थे ऑब्वियसली, फवाद का भी था, आई थिंक जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था मैडॉक के साथ, शारदा ने किया था, उसमें 3 फिल्में थी, एक बात जो मैंने ऑब्जर्व की थी, जो बाकी हमारे स्टार्स इंडिया से होकर आए, फवाद, माहिरा, नहीं वो तो कैश सबने कराया ही, सब लोग फिल्म का फिल्म में चले गए, बेसिक फिल्म हमारी बहुत कम थी, लेकिन फवाद ने कुछ भी नहीं किया पिछले 3-4 सालों में, हमायमा भी मॉलजट कर रही है, माहिरा खान भी फिल्में कर रही हैं, यू वेंट टू टीवी, हाँ, यू नो व्हाई, टीवी बड़ा पाकिस्तान में, आई एम इंटेलिजेंट, आई टेल यू मैसेज ना, हमारे यहाँ ड्रामा से अच्छा फिल्म में बहुत टाइम लगेगा, फिल्में बनेंगी अच्छी, अभी नहीं हो रही, ट्रस्ट मी, बहुत टाइम लगेगा हमें, लेकिन ड्रामा हमें बनाना आता है, ड्रामे में हमारी एक्सपेक्टिव और लोग पसंद करते हैं, बाहर देखा जाता है अच्छा, बल्कि उनकी फिल्मों में मुझे अपना ड्रामा नजर आता अच्छा। है, जितना हम रियल होकर ड्रामा बनाते हैं, उनकी फिल्में अगर आप जाके देखो सिनेमा में, तो आपको लगेगा नहीं कि जैसे कोई पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा है, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, नहीं पता नहीं यार, नो मैंने कभी इस नजर से दिशाएं देखी नहीं, बारिश तो हमारे ड्रामास बहुत अच्छे हैं, अगर पुराने ड्रामास और अभी कुछ एक आध अच्छे उठा के देखें, अभी ऑनेस्टली आई जस्ट फील थोड़े से, हां बाबा जरा सब चैनल भी तो चलाना है ना, समझा करें ना, अच्छा लेकिन ड्रामा हमारा बहुत अच्छा, तो लाइक फिल्म आपको ऑफर हुई थी वैसे पाकिस्तान में, हाँ, of course, obviously.
लेकिन मैं कोई आफ्टर हिंदी मीडियम मुझे था कि उससे बड़ी चीज़ है, उससे अच्छी चीज़ जॉब करने वाली है। तो फाइनली अब मुझे कुछ मेरे दिल को लगा और जो मुझे लगा कि यस सबा कमर दिस इज योर थिंग, यू नो वी विल वेट फॉर दैट। अभी जो बड़ी फिल्में आई कुछ ये परे हट लव सुपरस्टार देखी आपने कोई? मैंने ट्रेलर देखा, मैंने परे हट लव देखी, सुपरस्टार नहीं देखी। हाँ कैसी लगी आपको? व्हाई यू स्माइलिंग? मैं आस्किंग, आई एम जस्ट आस्किंग कैसी लगी है पूछ रहा हूं मैं। आई लाइक्ड इट, लाइक दैट। अच्छा अच्छा, कि अक्सर आसिफ इज अमूमन तौर पे ना एक्टर्स डायरेक्टर आई गेस देख कहते हैं कि मतलब देखी नहीं, भी हमने टाइम नहीं मिला तो इसलिए मैं सरप्राइज हूं कि मैं देखी हूं। नहीं नहीं नहीं, दे आर माय फ्रेंड्स और मैं देखना भी चाहती थी। और आसिफ ज्यादा की वीडियो बड़ी मजे की थी कि मैं देखने जा रही पर कुछ और होता नहीं है, तो वैसे भी अपने लोगों की फिल्म अपना सिनेमा तो प्रमोट तो जरूर करना चाहिए। सुपरस्टार भी मैं देखूंगी। माहिरा ने पहली बार इतना अच्छा खुल के डांस किया, मुझे अच्छा लगा। हां बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ओके सबा, सो वी हैव दिस गेम ऑन द शो कॉल्ड नेवर हैव आई एवर। तो हमारे पास ये जी शॉट्स हैं जिनमें कुछ ऐसा वैसे नहीं, सिर्फ कोक है। हां टेकीला, टेकीला। हां ओ कामकाजी, अच्छा सॉरी लड़की को सब पता है। बिल्कुल नहीं, मैं तो रोटी को चोची कहती हूँ। मैं प्यारी बेटी हूँ। मैं तो प्यारी बेटी हूँ। अच्छा ओके, सो बेसिकली आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। अगर आपने वो चीज की हुई है तो आप इसको दो पार्ट है इस गेम में। पहला है जनरल बातें और फिर थोड़े हैं जरा पर्सनल बातें। ठीक है, आई लव पर्सनल बातें। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, नेवर हैव आई एवर गिवन समवन अ फेक कॉम्प्लीमेंट। नो, नेवर। झूठा कॉम्प्लीमेंट नहीं, नहीं नहीं नहीं, कभी झूठी तारीफ नहीं की, नहीं करती फिल्मों की, नहीं मैं चुप कर जाती हूं, बोलती नहीं, नहीं हां नहीं बोलती हूं, चुप कर जाती हूं। नेवर हैव आई एवर डन अ प्रोजेक्ट सिर्फ पैसों के लिए। और तो नहीं पीनी आपने सारे? कितना किया सिर्फ पैसों के लिए, तो बहुत दफा किया। अच्छा ठीक है, हाय क्या करें, पापी पेट की खातिर। अच्छा नेवर हैव आई सीक्रेटली कभी दिल के अंदर अंदर से चाहा कि अगले बंदे की फिल्म या प्रोजेक्ट ना चले? नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं सोचा, कभी नहीं, कभी ऐसी नागिन नहीं हूं। अच्छा सिक्योर सॉर्टेड। अच्छा नेवर हैव एवर वांटेड टू डू समथिंग, दिल किया करने को लेकिन फिर आया गया मैं सबक भरूं, मैं कैसे कर सकती हूं, सुना भी नहीं आपने पूरा, मैंने कर लिया। समझ आ गई, समझ आ गई, हुआ दिल किया लेकिन नहीं किया, ईगो हाय हाय सब। चलिए अच्छा पर्सनल लाइफ में कि वैसे लेमन भी होना चाहिए था, पर्सनल लाइफ में कि वैसे प्रोफेशनल लाइफ में कि मिक्स दोनों? अच्छा अच्छा, नेवर हैव एवर किसी की बुराई की और उसी को भेज दी व्हाट्सएप पे, स्क्रीनशॉट हो गया कुछ हो गया। अक्सर मिशी के साथ बात कर रही होती हूँ, जो बंदा होता है इसके बारे में बात होती है उसी को भेजती हूँ। और फिर क्या करते हो? टक 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 डिलीट, फिर आता है यू डिलीटेड, मैं कहा नो नो रॉन्ग विंडो। डिलीट से पहले क्या करती थी? डिलीट तो भी पिक्चर आया कोई साल हुआ मेरे हाथ से, उससे पहले मैं समझदार थी। अब जब से मिशी आई ना तो होता रहता लाइफ में ऐसा। अच्छा चलिए आप थोड़ी पर्सनल बातें करते हैं। तो अब भी क्या क्या था, अभी ये पर्सनल नहीं था, जनरल बातें थी, थोड़ा दिल की जरा मजीद। ओके, नेवर हैव आई एवर हैड फीलिंग्स फॉर अ को-स्टार। नेवर, कभी मैं सोच रही हूं किस पे आया, नहीं नहीं अच्छा। नेवर हैव आई एवर फ्लर्टेड विद अ को-स्टार। फ्लर्ट भी नहीं किया कभी, वो खुद ही कर लेते। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लड़की कभी डेट नहीं करती। एक जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो कबूतर, जो मेरे दिमाग में आ रहा है एक वो ही कि और Shut up. और चलो बुरी बात, अच्छे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। बड़ा आसान सवाल है, कभी दिल टूटा है? इतना टूटा, अब तो टूटता भी नहीं। अब तो जब टूटा हम तो हंस देते, कहते नेक्स्ट। ओके अच्छा अगला, नेवर हैव आई एवर हैड फीलिंग्स फॉर एन एक्स आफ्टर वी ब्रोक अप। मैं बड़ी पक्की बच्ची, नेक्स्ट। हाँ हेलो हाय हो जाती, भाईजान बना लेती हूँ। भाईजान ठीक है, ईद मुबारक, अच्छा शादी मुबारक, अच्छा ईद मुबारक, सालगिरह मुबारक। शट अप, आ गई। नेवर हैव आई एवर फेल्ट यूज्ड इन अ रिलेशनशिप। नेवर, दूसरे बंदे की तरफ से प्रिंसेस की तरह रखा मैं। चलिए हमारा छोटा सा नेवर हैव एवर था। बस नाइस, थैंक यू, ये तो अच्छा।
गया यार अच्छा मुझे याद है मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था कौन सा वाला एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आया था जहाँ पे आप पढ़ा था लेडिटर इंटरव्यू था बड़े इंटेलिजेंट है इसमें आपने अपने ब्रेकअप की बात की थी जो 2011 में हुआ था कौन से वाला उस प्यार की वजह से नहीं बदली जो इंसान मेरी जिंदगी में आई उसकी वजह से अनीसा सिकंदर माय मेंटर माय योगा इंस्ट्रक्टर अच्छा ठीक तो उस रिलेशनशिप से कुछ सीखा नहीं उस रिलेशनशिप से वो रिलेशनशिप जरिया बन गया सीखने का ना वो नहीं कोई और भी होता तो उस बंदी का आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरी लाइफ में सो उन्होंने मुझे एक बड़ी मज़े की बात की आई वॉज डेविस्टेटेड ऑफकोर्स जैसे इंसान होता है अपनी थोड़ा सा बुरा लगता है उसको जब पता चलता है कि अच्छा द सेम पर्सन इज सेम समबडी एक्स वाई जेड एंड इज गेटिंग मैरिड नहीं अभी कोई अच्छा, उसकी शादी पुरानी हो चुकी है उसका बेटा हो चुका है गाइस गलत न्यूज़ है इंडस्ट्री का नहीं है वो कट ऑफ काम किया है मॉडलिंग थोड़ी सी छोड़ दो अच्छा खैर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है तो मैंने अनीसा आपा से कहा कि बुरा लग रहा है कहते क्यों बुरा लग रहा है प्यार था मतलब टाइम गुजारा तो बुरा लग रहा है कहते नहीं प्यार ये नहीं होता प्यार ही होता है कि वो किसी से प्यार करे उससे भी प्यार करो वो लड़की उसको प्यार देगी जो भी उसकी लाइफ में तो तुम्हें तो उससे प्यार होना चाहिए बस वो लम्हा था मुझे समझ आ गया मुझे समझ आ गया कि वॉट इज़ लव लव इज़ समथिंग एल्स उसमें आप सेल्फिश नहीं होते उसमें आपको चाहिए नहीं होता कि ये मेरा हो जाए या हाँ बस प्यार करते रहो कहती अभी भी प्यार करें तो प्यार से कैसे उस इंटरव्यू में लिखा हुआ था कि यू नो आप तब से लेके अब तक यू हैव बीन सिंगल सो अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल कोई सी नहीं दोबारा प्यार नहीं हुआ कभी बहुत कोशिश की साउंड लाइक समीना भी ज्यादा दोबारा प्यार नहीं हुआ उसके बाद अगला क्वेश्चन बीप आई लव समीना आपा हां वी ऑल लव समीना आपा एंड शो में से कभी दोबारा प्यार नहीं हुआ उसके बाद उस रिलेशनशिप के बाद होता रहता है रोज होता है कुछ सीरियस नहीं हुआ कभी नहीं ऐसा वैसा भी कोई नहीं मिला और ऐसा भी कोई नहीं मिला सो यू आर सिंगल एंड रेडी टू 100% अच्छा यस अच्छा मुझे याद है अभी एक खबर आई थी एक साल पहले के करीब के रूमर्स ये थे शायद कि आपकी शादी हो रही है अरसलान फैसल के साथ कौन हाय वो बच्चा बेचारा क्यूट सा नहीं भाई मेरे भाइयों की तरह है इज लाइक माय ब्रदर यार अच्छा तो कोई सीन नहीं कोई सीन नहीं है न्यू ईयर पे हमने इकट्ठे तस्वीर बनाई घर आना जाना है उनका पूरी फैमिली का सबा आपस से इतनी दोस्ती है उनके बच्चों से दोस्ती है एक प्यार वाली तस्वीर को और वो मुझे सबा जी कहता है यू नो लाइक एहतराम वाला रिश्ता वो वाली बात मतलब हद है यार एक फोटो खिंचवा ली ऐसे करके तो सबा की शादी का क्या सीन है सबा का जिस दिन लड़का मिल गया तो कर गया घर से है अम्मी कहती है हाँ सभी कहते हैं सब प्रेशर तो बहुत शादी की नहीं शादी शादी हो जाए तो बच्चा की नहीं लो बच्चा आप मेरी मर्जी मेरी जिंदगी वाले नहीं करनी ऐसा नहीं है करनी नहीं है अच्छा मेरी ना सोच वैसी नहीं है मेरे वो मसले नहीं है कि मुझे घर चाहिए पैसे चाहिए नॉर्मल लाइफ चाहिए 9-to-5 जॉब वाला बंदा चाहिए मुझे सुकून चाहिए पीस ऑफ माइंड मुझे वो चाहिए जिससे मुझे लड़ाई पसंद नहीं है लोग लड़ते हैं आई नो रिलेशनशिप में ना डिफरेंसेस होते हैं बट उनकी रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है true. वो नहीं है यहाँ लोग ना बात नहीं करते कॉन्वर्सेशन नहीं होती फाइट होती है बंदा बाहर निकल गया हेलो एक्सक्यूज मी पता है मैंने तो ऐसे देखा तो ये वाली शादी मुझे नहीं चाहिए अच्छा है सवाल याद है हम जो लास्ट मिले थे कुछ महीने पहले द फर्स्ट टाइम मिले थे मेरे ख्याल से तो आप खाने पे गए थे हम हां फर्स्ट टाइम हां तो आप सोशल मीडिया पे तब बहुत एक्टिव थी मुझे याद है इंस्टा स्टोरीज बंदे ने कह नहीं दिया मुझे सीधा बड़ी स्टोरीज लगाती मैं तब से स्टोरीज कम कर मैं कहां सॉरी मुझे नहीं पता था ज्यादा स्टोरीज लगाते हैं नहीं अब थोड़ा सा स्मार्ट हो गया आपसे पहले मुझे किसी ने कहा कि बहुत सारी स्टोरीज लगाया करो सब नहीं नाम ले लूंगी ना गलत काज ने भी कहा था उसके बाद अब आप काफी कम पोस्ट करते हो आई नोटिस्ड हां तो ये क्या कि मेरा अकाउंट कितना डिसेंट हो गया अब समझ आ गई ना पहले भी डिसेंट था बिकॉज़ मुझे पता नहीं था सोशल मीडिया का मुझे इतना नहीं पता तो अभी मैं सीख रही हूं अच्छा मैंने सुना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक शख्स का जिसको आपको पूछना पड़ता है कि क्या मैं पोस्ट कर दूं ये प्लीज मैं पोस्ट कर लूं मैं बाथरूम जाने से भी पहले पूछती हेलो चौथी दफा जा रही हूं इतना प्यार है इस बंदे की बात करें वो है मिशाल चीमा वी लव हर मिशाल ने कहा था मेरा नाम जरूर लेना मैंने कहा मिशाल तुम्हारे तो शी इज सिस्टर टू मी नाउ शी इज फैमिली शी इज एवरीथिंग मैं उससे परसों कही थी कि यार जितनी मैं तुमसे बात करती हूं मेरे तो जिंदगी मेरा बॉयफ्रेंड भी आएगा मैं उससे भी नहीं करूंगी
अम्मी से ज्यादा तो उससे बात होती है। मिशाल इज अ स्वीटहार्ट, आई हैव नोटिस कि जब से मिशाल आपकी जिंदगी में आई है कोई एक दो साल हो गए, मेरे सारे डर्टी सीक्रेट और काफी कुछ बदल गया है। आई नोटिस यू नो योर पीआर गेम मास्टर इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। आई थिंक वो काफी कुछ बता रही है आपको। उसने एक लाश को उठा के कहा चलो चलो, वो लिटरली मुझे कहती नहीं आप रेस्ट नहीं करेंगे, आप काम करेंगे। ये चीज मुझे एंड द चेंज वी आर सीइंग ट्विटर पे, आप आगे ट्रेंड हो रहे हैं भाई, शी इज डूइंग अ गुड जॉब, कमर्शियल्स कर रही हूं, काम कर रही हूं। हाउ ब्लेस्ड डू यू फील टू हैव हर इन योर लाइफ? आई एम सो ब्लेस्ड। शी इज मोर देन अ मैनेजर, वो ना होती नहीं, मैनेजर इज अ स्मॉल वर्ड, शी इज एवरीथिंग फॉर मी। स्वीट। एंड सबा, वी विल एंड द शो बट नॉट विदाउट द रैपिड फायर। नहीं करो ना, मजा आएगा, नहीं करो ना। तो जल्दी से ऐसे सवाल पूछूंगा, बाकी रैपिड फायर नहीं था, वो सब फायर था, पूरा शो था, फायर था, पूरा शो। मुझे हवा में तालियां भिजवाई मुझे लेटा के। 3, 2, 1 गो। बागी या हिंदी मीडियम? क्या हुआ? टफ। अच्छा, बागी, मेहनत ज्यादा की थी। ठीक है, मूवी ऑपोजिट फहद मुस्तफा या हुमायूं सईद? हुमायूं के साथ करने वाले बहुत हैं, फहद मुस्तफा नहीं, फहद के साथ भी है लेकिन फहद, हां ठीक है, फहद के साथ किया नहीं था ज्यादा। हम टीवी या एयर वाई? दिल के ज्यादा करीब। क्या चाहता है मेरे को वहां से एक नोटिस मुझे भी आ जाए कि नहीं काम करना? दोनों। हम के साथ बहुत ज्यादा काम किया है बट एयर वाई के साथ अभी अच्छा रिलेशन बन गया। दोनों चल ना, 50-50। इमरान अशरफ या जाहिद अहमद, बेटर एक्टर कौन है? यार ये ना कहलवाओ, हर बंदा अपनी जगह बहुत अच्छे। नहीं नहीं, ये नहीं कह सकते, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। जाहिद के साथ काम किया वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। इमरान का काम मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, वो भी बहुत डिफरेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, परे हट लव और सुपरस्टार, कम बुरी कौन सी थी? आई डिडंट से एनीथिंग, ये वो इसको पकड़ लो। मैंने सुपरस्टार नहीं देखी, मैंने परे हट देखी तो मुझे वो अच्छी लगी, पर सुपरस्टार के गाने देखे बहुत पसंद। ऑनेस्टली मजाक कर रहा हूं, परे हट लव और सुपरस्टार बेहतर कौन सी लगी? अब वो गाना निकाल के। हर कोई सबा के साथ काम करना चाहता है, बट सबा किसके साथ काम करना चाहती हैं? वन एक्टर यू वांट टू वर्क विद नेक्स्ट? सबके साथ, एक इनके बच्चों के साथ भी, आगे भी इनके दिमाग में एक नाम आ रहा है कि इसके साथ काम करना है यार। रिसेंटली एक लड़का और एक लड़की। ओ, तो एक लड़का रिसेंटली मैंने उसका इंस्टाग्राम पे, जो मेल एक्टर है हमारे इस्लामाबाद से, उस्मान मुख्तार नाम है जो, या मैंने पूरा ड्रामा नहीं उनका देखा लेकिन उनका एक क्लिप देखा तो वहां से मुझे लगा कि इज अ ग्रेट एक्टर। मुझे यमुना के साथ काम करना है। अच्छा, एक एक्ट्रेस जिसका स्टाइल आपको बहुत पसंद हो? सबका ही बहुत पसंद है लेकिन मुझे अपना स्टाइल पसंद है। ठीक है, मुझे डिफरेंट अच्छा लगता है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट जिसको मना करके रिग्रेट करती हो, काश ना मना किया होता? रिग्रेट कभी भी नहीं। डोंट फील गुड कि इसको मना करके? यहाँ करी, बाहर का था, इंडिया का, इंडियन प्रोजेक्ट्स। इसका नाम है दोनों बहुत अच्छी गई है। Okay. What's what's the worst thing about being Saba Qamar? I trust people very easily. I don't be all. अच्छा यार, अच्छा अब मैं कुछ एक्ट्रेसेस के नाम लूंगा, इनके पास वो क्या चीज है जो आपके पास नहीं है? और ये कुछ भी हो सकता है। मैं विश्वास बहुत अच्छा मेकअप करती, वो मुझे नहीं आता, मतलब मैं नहीं, मुझसे होता नहीं है। ठीक है, मुझे होता है कि ओ गॉड मेरे क्या मुसीबत होगी। मेकअप आर्टिस्ट होता हूं उनके भी नहीं। हां लेकिन मैं खुद भी करती है, शी नोज हाउ टू यू नो, लाइक बड़ा मजे का वो। माया ली माया, एक बात क्या है जो आपको चाहिए? माया के पास काम वाले कपड़े हैं बहुत सारे, अक्सर मैंने इसके इंस्टाग्राम पे देखती हूँ उसे ऐसे करके जो फोटो बनाई थी बड़ी क्यूट है। आपके पास काम है सबा? ऐसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, आप नहीं पे देखते हैं फोटो प्री चांद रात और चांद वो रात तो मुझे ईद पे तोहफे आ जाते हैं। आप आके माया की तरह मेरी कोई कजन होती है डिजाइनर तो माया की कजन है नहीं है क्या? आई डोंट नो, हां मुझे लगा, पर अच्छी बात है, दैट्स गुड। ओके, माहिरा खान। Mahira Khan? What does she have? What does Mahira Khan have that Saba Qamar does not have? Everything. She has everything, you have everything.
She has everything. एक चीज़ उनके पास है जो आपके पास नहीं है. सबा कमर. सोचना पड़ेगा मुझे. ओके. इकराजीज. यासिर. यासिर चाहिए. नहीं वहाँ अच्छा लग रहा है. ये दोस्त है अपना बहुत अच्छा. यासिर जान है यार. दोनों जान है. अच्छा वन फिल्म जिसका पाकिस्तानी फिल्म जिसका दिल क्या काश मैं भी इसका हिस्सा होती. नन. एक भी नहीं. पिंकी मेम साहब मैंने देखी मुझे बहुत पसंद आई. पिंकी के मेम साहब. मेम साहब 100% वाले. पिंकी वाला कैरेक्टर बहुत इजी था. हो सकता है कोई भी कर सकता है लेकिन मेम साहब वाला कैरेक्टर बहुत मुश्किल था. उसकी जो बारीकियां थी उसके जो मैनरिज्म थे वो बहुत और वो बहुत अच्छा किया किरण मलिक ने. ओ आई लव दोनों ने वो बहुत अच्छी वो फिल्म बहुत मजे की थी. अगर आपको एक गे कैरेक्टर प्ले करना हो ऑन स्क्रीन तो आप किस एक्ट्रेस के साथ प्ले करना चाहेंगे. बस यही कैरेक्टर रह गया था. बताइए ना एक्ट्रेस हाइपोथेटिकली ऑब्वियसली लड़की कोई इंटरेस्ट नहीं मेरा बिल्कुल. हां ठीक है जरूरी है जवाब. हां जवाब जरूरी है. जो क्लीन हो साफ सुथरा. बता दी साफ सुथरी. साफ सुथरी. कौन है साफ सुथरी हमारी इंडस्ट्री में. बहुत सी हैं आप बताएं. सो मेनी यार. अपनी प्रेफरेंस आप बताएं. खुशबूदार अच्छी. रेटिंग चाहिए. माहिरा खान एंड सबा कमर. लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस काम में. फिल्म में दोस्ताना हाँ, कैरेक्टर किया जा सकता है यार. रेटिंग जब फिल्म की क्या फिल्म क्या बनेगी मैं सोच रहा हूं. यार बस कर देना यार. ये ले लिया अलग मसाला. अगर सबा और माहिरा इकट्ठे एक फिल्म है लाइक सुपर हिट हो गए. क्यों नहीं इकट्ठे आ रहे आप लोग किसी प्रोजेक्ट में. वो कोई कैरेक्टर देगा तो करेंगे. आप लोग कर लोगे इकट्ठे दोनों का. मतलब मुझे तो मसला नहीं है. आस्क माहिरा. यू आर कुल टू हीरोइन फिल्म ऑफ कोर्स. ओके. अच्छा जो मूविंग ऑन व्हाट्स द फनीएस्ट और वियर्डेस्ट रूमर जो सुना आपने अपने बारे में. मनी लॉन्ड्रिंग. हां वो भी एक आया था. बकवास थी. बहुत बड़ी बकवास. तो पता चला किसने किया क्या. हां झूठ बोला. अपना वो मंजन बेचने के लिए ना छोटे से चैनल के ऊपर अपनी वो न्यूज़ चलाने के लिए. आप अगले की जिंदगी के साथ उनके करियर के साथ खेल जाते हो. मैंने इतनी मेहनत की है इसके लिए करनी थी. कोई नहीं जानता कि मैंने क्या कुछ किया और कितनी मेरी जिम्मेदारी और एक बैगेज है मेरा. बट वो जो ऊपर बैठा ना वो देख रहा है. टू टू टू. अच्छा हमजा और नेमल की शादी हो गई. अब आगे शादी किसकी होनी चाहिए. सजल आहत इकरा यासी नहीं कोई इंटरेस्टिंग कपल बनाए. इंस्टाग्राम पे तो हनी और आसिम भी बहुत नजर आते हैं. बट आई एम नॉट श्योर मे बी होपफुली या हो सकता है. ठीक है सब. आप बहुत अच्छी मिमिक्री करती रही हैं कर चुकी हैं. वो व्लॉग करो. मिमिक्री नहीं करेंगे आपसे. एक गाना है आपका चीक का टाइटल ट्रैक जो बहुत लोगों ने पसंद किया बहुत एंजॉय किया. अगर उसको आप मिमिक करें वो एक बंदे ने गाया हुआ है. किसी और अंदाज में गाएं. नहीं अंदाज पे वही रखूंगी जो मर्जी. मिमिक होता तो फिर सेम होना चाहिए. चलें तेरा. अच्छा देखो कैमरे में देख. कभी भी नहीं देख पाऊंगी कर ही नहीं पाऊंगी. ओके क्यों. अच्छा उसका वो बताना स्टार्ट किया. तेरे मेरे मौला जो. ओके मेरे मौला. एक बार शुरू करना जरा. मेरे मेरे मौला जो दिल दिया था तन्हाई. आगे मैं तो कलंक का पूरा गले तन्हाई दीना होती जिसका अंजाम तन्हाई दीना होती जिसका अंजाम था अंधेरा. वो चीख बहुत अच्छा गया है. चीख बहुत अच्छी को बुरा तो नहीं कहा. उसके बारे में कुछ बोला. बट चलिए सबा. ओह माय गॉड बहुत मजा आया. इट वाज फन यार. आपको मजा आया. मुझे बहुत मजा आया. मैंने जो हवा में ताली मारी और जब और जो मैंने अपनी पर्सनल बातें बताई है जो मुझे घर से निकलवाना है अब लगता है ताले भी लग जाएंगे. नहीं सर थैंक यू सो मच आप हमारे शो पे आई. दिस इज जेन्युइनली आवर फर्स्ट एपिसोड जिसको मैं प्लान कर रहा था करना चाह रहा था. मजे धमाकेदार मसालेदार बागी. एग्जैक्टली वही मैं हूं मसाला ना. तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग इन टू द मुंशी शो. अगर आपको शो पसंद आ रहा है लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हिट द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.